हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है योगा दिवस। जी हाँ, इंटरनेशनल योगा डे। तो आप लोगों के सामने मैं कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आप जानते तो हैं लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। आप में से काफ़ी लोग नहीं करते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, तो इसलिए आज जो है योगा दिवस है। इस योगा दिवस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों में से हर चौथा व्यक्ति योगा प्राणायाम के बारे में जानता तो है लेकिन उसको अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे से लागू नहीं कर पाता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये योगा और प्राणायाम जैसी चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। योगा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप करके आप फिट रह सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे फायदे हैं। तो इसलिए आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए मॉर्निंग में या इवनिंग में। मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, बट अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम थोड़ा सा करने की कोशिश ज़रूर करें। आप लोग खुद देखेंगे कि आपको करने के बाद जब कुछ टाइम तक आप प्रॉपर करते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी बॉडी और मेंटली आपको हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको बेहतर लगेगा पहले से। तो दोस्तों यही आपसे हमें कहना है कि आप ज़रूर करें। देन उसके बाद जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर चौथा आदमी योगा और प्राणायाम के बारे में जानता है, अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप समझिए कि कितना बड़ा वर्ल्ड है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप सब लोग इन सब चीज़ों को जानें और करें। देन उसके बाद क्या है कि आप सभी लोग जानते हैं, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने 24 आवर्स के रूटीन शेड्यूल में आप ओनली 30 मिनट्स आप अपने योगा प्राणायाम या कुछ मेडिटेशन आप उसके लिए दीजिए। आप देखेंगे कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, मैं बता सकता हूँ, तो वो नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि आज भी मैंने सोचा था कि आप सभी को मैं योगा और प्राणायाम करके मैं वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, लेकिन आज का मौसम ख़राब होने की वजह से मैं ये नहीं कर पाया। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्टेप्स और कुछ अच्छे योगासन और प्राणायाम के स्टेप्स मैं आप सभी को बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। तो बाकी मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। और मैंने कुछ चीज़ें की हुई हैं, हालांकि मॉर्निंग टाइम में मैंने हेड स्टैंड एंड पुशअप्स वगैरह किए थे, तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो तो मैंने कर लिया था, बस योगा के लिए लेट हो गया था इसलिए मैंने नहीं किया था। तो दोस्तों आप इसको देखिएगा, इंजॉय करिए और अपनी लाइफ में योगा प्राणायाम मेडिटेशन थोड़ा सा ज़रूर रूटीन में लाइए, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जब लगाओगे यार तो सर नीचे ही हो जाएगा। बस